हेलो स्टूडेंट्स वॉर्म ग्रीटिंग्स टू ऑल फ्रॉम रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा सो आज हम लोग जेई मेंस का थर्टीन अप्रैल का अटेम्प्ट शिफ्ट वन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और इस पैटर्न में हम लोग ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक के अपने पास एट क्वेश्चन रिट्रीव हुए हैं जो कि मेमोरी बेस्ड हैं सो लेट ए स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन द द फर्स्ट क्वेश्चन सेज ऑफ फॉलोइंग ओजोन लेयर सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से है इसका आंसर है क्लोरीन फ्री रेडिकल जिसने भी एनसीआरटी पढ़ी है उसको डायरेक्टली पता चल गया होगा कि क्लोरीन एटम्स आर द मेन रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर तो अकॉर्डिंग टू द सोर्स एक क्लोरीन मोलिक्यूल वन लैक ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिप्लीट करने की टेंडेंसी रखता है

इसका रिएक्शन हमने एच के साथ कराया है जिसमें कार्बन इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन इल कार्बन पाइपॉन्ड ऊपर जाएगा एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी एच ओ एच सी एच टू ओ एच एंड सी एच एच एंड सी एन यानी कि ये जो अपने पास कार्बन है ये साइनोहाइड्रेट फॉर्मेशन को डिपेक्ट कर रहा है ये कार्बन एज यू कैन सी इट इज ऑल्सोर फिशर प्रोजेक्शन जो अपने पास नीचे वाला काबन था इसमें एच लेफ्ट था ओ एच राइट में था एंड वी है कार्बन में वी कैन हैव टू वे यहां पर हम लोग सी एन ऊपर लिखे एच लेफ्ट में ओ एच राइट में लिखें या फिर द अदर वे कैन बी एच ओ एच सी एच टू ओ एच नीचे वाला कार्य कार्बन तो सेम रहेगा बट ऊपर वाले कार्बन में हम लोग ओ OH एच को लेफ्ट और एच को राइट right लिख सकते हैं तो दीज आर द टू प्रोडक्ट फॉर्मड जब हम लोग फर्स्ट रिएक्शन करा रहे हैं एच सी एन के साथ आफ्टर रिएक्शन विद एच सी एन यहाँ पर एक्वस एच सी एल दे रखा है जो कि हाइड्रोलाइज कर देगा साइनाइड ग्रुप को इन टू कार्बोक्सिलिक एसिड तो अपने पास क्या आंसर आएगा सी ओ एच ऑन द टॉप एंड सी ओ एच ऑन द बॉटम जो दे रखा सॉरी सी एच टू ओ एच ऑन द बॉटम एच लेफ्ट में ओ एच राइट में एच लेफ्ट में एंड ओ एच राइट में ये पहले वाले का फॉर्म किया है। और दूसरे में सिमिलरली हम लोग COH एच ऊपर लिखेंगे ओ एच ऑन द लेफ्ट साइड एच ऑन द राइट साइड एंड द रेस्ट विल बी द सेम ये अपना बन गया आफ्टर हाइड्रोलिस तो कहां तक पहुंच गए हम? तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं After HCL, K2CR2, 7, acid is given. तो ये एक strong oxidizing agent है, दिस एल्कोहल ग्रुप एल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे सो द आंसर कम्स आउट टू बी सीओ ऑन द टॉप एंड COOH ओ एच ऑन दॉटम रेस्ट जो है वो सेम रहेंगे सीओ ओ एच सी ओ ओ एच ओ एच ऑन दी लेफ्ट एंड एच ऑन दी राइट बाकी सारे सेम रहेंगे ओके सो दीज आर द फाइनल आंसर्स दैट आर फॉर्मड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है सो so, इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है पहला उन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑप्टेंड so, और ऑप्टिकली एक्टिव या प्रोडक्ट मिक्सचर इज रेसमिक वन प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड द अदर एन दीजो प्रोडक्ट ऑप्टेंडर ऑप्टिकली इन एक्टिव सो लेट एस सी ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी तो देख के अपने को बात समझ में आ रही है कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इट इज अ अजो कंपाउंड अगर ये मीजो इट एज प्लेन ऑफ सिमिट्री मीजो है तो मीजो इज ऑप्टिकली इन एक्टिव इन नेचर एंड द सेकेंड वन

इट इज गोइंग टू एक्ट रिएक्ट विद एच प्ल क्योंकि एसड बेस्ड रिएक्शन यहाँ पर इट इज द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन तो ऑक्सीजन इज गोइंग टू गिव इट्स लोन पेयर टू दिस एच प्लस जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर एच प्लस को देगा वॉटर मोलिक्यूल विल बी फॉर्मड एंड द वॉर मोलिक्यूल फॉर्म्ड इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप सो इट इज गोइंग टू लीव द मॉलिक्यूल ये मोलिक्यूल को लीव करके चला जाएगा और यहाँ पर बचेगा काबू के टाइम अब काबो कहीं भी बनता है सो वी टेन टू मेक इट मोर स्टेबिलाईज उसको हम लोग थोड़ा सा और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे बाय रीअरेंजमेंट और इट माइट बी अ रिंग एक्सपेंशन और अ कॉन्ट्रेक्शन प्रोसेस पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फोर मेंबर्ड रिंग है और राइट right में फाइव मेंबर्ड है एंड इज अ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पॉसिबिलिटी रिंग एक्सपेंशन की है तो एक बार हम लोग लेफ्ट रिंग को एक्सपैंड कर रहे हैं एक बार राइट रिंग को एक्सपैंड कर रहे हैं सो दिस फोर मेंबर रिंग दिसन एक्सपेंडेड मेंसपैंडेड टू द सिक्स मेंबर ऐसे करके हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं सो लेट अस सी क्या बनता है फोर मेंबर रिंग को जब एक्सपैंड किया फाइव मेंबर रिंग बन गई आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फाइव मेंबर रिंग रीअरेंज करके हम लोग नेक्स्ट जो राइट वाली फाइव मेंबर रिंग है उसको हमने एक्सपैंड कर दिया नाउ अगेन दिस में दिस रिंग कैन भी एक्सपेंडेड इंटू टू सिक्स मेंबर रिंग जब तक एक्सपेंशन पॉसिबल है तब तक हमें एक्सपैंड करना है और कार्बोकटाइन को स्टेबल बनाना है सो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर रीअरेंजमेंट आफ्टर रिंग एक्सपेंशन इसके बाद यहां पर जो कार्बोकोटाइन बना है इट इज गोइंग टू रिमूव दिस एज फ्रॉम द अब पोजिशन एंड पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म सो द आंसर इज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसमें दो सिक्स मेंबर्ड रिंग्स बन रही हैं सो द आंसर शुड बी बोथ रिंग्स विल बी सिक्स मेंबर्ड इन प्रोडक्ट सो सिंपल केस है स्टेबिलिटी ऑफ काबू के टाइम देखने के लिए हम लोग रिंग एक्सपेंशन के केसेस को देख रहे हैं यहाँ पे वेरी सिंपल क्वेश्चन स्ट्रेट अवे फ्रॉम जीओसी टू लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा है इस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में सेम एल्कोहल का रिएक्शन हमने एसिड के साथ कराया यहां पर भी एल्कोहल दे रखा है एंड एसिड दे रखा है सो गोइंग टू फॉलो द सेम पैटर्न नाउ क्वेश्चन से कार्बोकेटायन इन द अब रिएक्शन सो बेसिकली हमें करना क्या है जब हम लोग एसिड बेस्ड रिएक्शन करा देंगे वही सेम पैटर्न है वॉटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा इट विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर गया बाहर जाने के बाद जो काबुकेटाइन बना है उसको हम रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने के बाद जहां जहां पर थ्री डिग्री काबोकेटायन बनना पॉसिबल है वो हम बनाएंगे तो जब हमने काबोकेटाइन बनाया है सो वी कैन मूव दिस काबूकेटाइन ऑन द लेफ्ट साइड ऑल्सो और एक बार हम राइट साइड पर भी शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट साइड में अगर हम पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट साइड और अगर इसी काबुकेटाइन को राइट right साइड में शिफ्ट करोगे तो मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा सो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स फॉर्म टू कार्बो कटाइंस फॉर्म अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ सो यहाँ पर हीट भी दे रखी है सो वी गोइंग टू अगेन फॉर्म अ पाई बॉन्ड सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन यहां पर हम लोग एच रिमूव करेंगे वंस वंस फ्रॉम फ्रॉम द द लेफ्ट साइड साइड एंड राइट तो जब हमने लेफ्ट साइड से एच रिमूव किया पाई बॉन्ड इज फॉर्म ऑन द लेफ्ट साइड एक बार हम राइट से फॉर्म करेंगे सो टू प्रोडक्ट आर फॉर्म यहां पर ये प्रोडक्ट कोई भी ज्योमेट्रिकल आइजोमेरिजन शो नहीं कर रहे हैं नो इज बीन सीन तो एक एक प्रोडक्ट आएगा अब इधर वाले की बात करते हैं इस पर्टिकुलर में जो कार्बोकोटाइन फॉर्म हुआ है इसके अगर हम एच को रिलीज करें तो एक बार हम लेफ्ट वाले एच को हटाएंगे और एक बार हम राइट वाले एच को हटाएंगे तो जब हम लेफ्ट वाले एच हटाया तो यहां पर किसी भी प्रकार की जीरो केमिस्ट्री देखने को नहीं मिल रही है लेकिन अगर हम यहाँ पर राइट वाला एच हटाते हैं तो बीच वाला कार्बन बिकम्स कायरल अगर ये कार्बन कायरल है सो टू प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ इट वन आर एंड वन एस इसीलिए इसके दो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सो लेट अस सी कितने प्रोडक्ट्स बने वन टू थ्री एंड टू फ्रॉम दैट मीन टोटल फाइव प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन सो नाउ लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्ट्रेट अवे पॉलीमर चैप्टर से आया है पॉलीमर चैप्टर से जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन है इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है पूरा रखने वाला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास दो लिस्ट हैं लिस्ट वन में अपने पास मोनोमर्स गिवन है और लिस्ट टू में उनके पॉलीमर्स गिवन है एंड वी हैव टू मैच देम तो कैप्रोलैक्टम को अगर हम मैच करें कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है इट्स अ मोनोमर ऑफ नाइलॉन सिक्स तो डायरेक्टली कैप्रोलैक्टम को हम नाइलॉन सिक्स से मैच करवा सकते हैं आइजोप्रीन आइजोप्रीन नेचुरल रबर का है क्लोरोप्रीन नियोप्रीन का है एंड पॉलिस्टर ऑफ ग्लाइकोल एंड टेरेथैलिक एसिड मैच विद डेक्रॉन तो ये बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन है इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर है डायरेक्टली फ्रॉम एनसीआरटी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दिस क्वेश्चन इज इजी। इसमें डायरेक्टली तुम्हें ये देखना है कि ए एल सी एल थ्री एच सी एल इज यूज फॉर आइजोमराइजेशन तो यहां पर अपने पास जो रिएक्टेंट दे रखा था वो था एन हेक्गजेन दैट मीन्स नॉर्मल हेक्जेन सिक्स कार्बन की चेन दे रखी है सो वेन यू आइजोमराइज इट इट विल बिकम इन टू अ फाइव कार्बन चेन विद वन मिथाइल ग्रुप अटैच टू इट तो यहां पर क्लोरिन वाला तो नहीं हो सकता रिंग फॉर्मेशन नहीं हो रही है सो दिस इज द फाइनल आंसर जिसमें हम टू मिथाइल पेंटेन बना पा रहे हैं तो आंसर इज वन वेरी इजी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये क्वेश्चन एस एन वन एस एन टू का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर अपने पास वन डिग्री एल्काइल हेलाइट दे रखा है वन डिग्री एल्काइल हेलाइट का दो अपने पास रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करा रखा है एक है इटी ओ माइनस विच इज अ स्ट्रांग रियजेंट स्ट्रांग बेस यू कैन से एंड सेकेंड इज इटीओ एच विच इज अ वीक वन तो साफ साफ समझ में आना चाहिए कि अगर स्ट्रॉन्ग है अपने पास तो स्ट्रॉन्ग से क्या बनता है स्ट्रॉन्ग से हम लोग एस एन टू की तरफ जाते हैं और वीक से हम लोग एस एन वन की तरफ प्रोसीड करते हैं तो मेन डिफरेंस बिटवीन एस एन वन एंड एस एन टू कम्स आउट टू बी द फॉर्मेशन ऑफ काबोकेटाइन एन एस एन वन और एस एन टू में काबुकेटाइन फॉर्म नहीं होता है डायरेक्ट क्वेश्चन हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां दे रखा है देखें जब हम लोग ईटीओ माइनस देख रहे हैं इट इज अ स्ट्रांग बेस स्ट्रांग बेस है तो डायरेक्टली बी आर को हम रिमूव करेंगे और ओ ईटी जो अपने पास बेस दे रखा है उसको हम रिएक्ट करा देंगे अटैच कर लेंगे एंड दिस इज बेसिकली एस एन टू रिएक्शन इन द सेकेंड पार्ट यहां पर ईटी ओ एच दे रखा है विच इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल अगर ये वीक न्यूक्लियोफाइल है इट इज गोइंग टू फॉर्म एस एन वन टाइप रिएक्शन एस एन वन टाइप नहीं एस एन वन रिएक्शन ओनली तो एस एन वन रिएक्शन के हिसाब से पहले हम ब्रोमीन को रिलीज करेंगे यहां पर ब्रोमीन हट जाएगा इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर जाने के बाद काबूकेटाइन फॉर्म करेंगे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ काबोकेटाइन ऑब्वियसली रीअरेंजमेंट होगा रीअरेंज करने के बाद थ्री डिग्री काबुकेटाइन बनेगा और उस थ्री डिग्री वाले पे हम लोग ओई लगा देंगे तो यहां पर हम लोग तीसरा ये क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें काबोकेटाइन रीअरेंजमेंट को पूछा गया है नाउ लेट लेटस कम टू दिस लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में अगेन द थर्ड टाइम यहां पर एल्कोहल का रिएक्शन H प्लस के साथ कराया गया है ठीक है तो OH जो है अगेन H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा एज सून एज इट विल रिएक्ट विद एच प्लस एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा वाटर मोलिक्यूल विल भी फॉर्म वही सेम चीज वाटर मोलिक्यूल फॉर्म होगा गुड लिविंग ग्रुप है बाहर जाएगा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा कार्बोकेटाइन बनते ही यहां पर हम देखेंगे क्योंकि एन एच टू गिव है और यहां पर एन पॉसिबल है नाइट्रोजन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड देयर इज एन इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट इन द रिंग जो अभी हमने बनाया तो यहां पर एनजीपी हो जाएगा और यहां पर रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी सो दे विल बी अ फोर मेम्बर रिंग फॉर्मेशन जिसमें नाइट्रोजन विल बी वन ऑफ द आटम ऑफ द रिंग तो ये अपना नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का क्वेश्चन था तो वी हैव रिट्रीव्ड दीज एट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन इन क्वेश्चन को पढ़ के देख के अपने को ये समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम इन्होंने बेसिक से ही पूछा है काबू के रीअरेंजमेंट जिसमें रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रेक्शन वाला तो नहीं आया बट एक्सपेंशन आया देन एनजीपी वाला क्वेश्चन आ गया फ्रॉम एल डी हाइट सो इफ दे हैव टेकन थोड़ा थोड़ा पार्ट फ्रॉम एवरी चैप्टर एंड दे हैव मेड दिस पेपर सो ओवरऑल इट अ वेरी डिसेंट पेपर सो लेटेस्ट फिनिश इट विद दिस Thank you so much.